मरीज मिलने से दहशत में ग्राम के नागरिक, वहीं प्रशासन में मचा हड़कंप। आपको बता दें कि बालाघाट जिले की खेरलांजी तहसील के ग्राम भजियादन का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने पुष्टि करते हुए बताया कि यहां पुणे से आया था और इसकी कॉन्टेक्ट निकाली जा रही है। बताया जा रहा है कि उससे पहले ही क्वारंटाइन किया गया था। हम आपको बता दें कि बालाघाट जिला अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं होने के कारण ग्रीन जोन में था, लेकिन अब यहाँ जिला भजियादंड में एक कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से ग्रीन जोन से रेड जोन में आ गया है। ये अभी लगभग हमको 3 बजे ही पता चला, स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पॉजिटिव होने की पुष्टि की है। ये 16 तारीख को मुंबई से 5 लोग आए थे, ये वहाँ पर मजदूरी का काम करते हैं, वहाँ से लौट के आए थे लोग। और 16 के बाद ये व्यक्ति जो राजेंद्र, जिसका नाम है, पॉजिटिव निकला है। ये 2 दिन तक यहीं गांव में रहा और फिर एक खैरलांजी हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, तो वहीं से इसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सर, इसके साथ में कितने लोग थे? ये कुल 5 लोग थे जो मुंबई से एक साथ आए थे। तो इसके बाद ये यहाँ पर खैरलांजी बॉर्डर खैरी के पास ये लोग उतर गए, वहाँ से इन्होंने गांव में संपर्क करके अपने दोस्तों को बुलाया और इसके दोस्त मोटरसाइकिल से उनको लेने गए, फिर मोटरसाइकिल पर बैठ के यहाँ पर। सर, इन्होंने जिले में समझ लो चोरी छुपे प्रवेश किया है, क्या इसके पश्चात इनके ऊपर में कोई कार्रवाई की जाएगी? इनके ऊपर में अभी हम ये दिखवा रहे हैं कि इनकी मेडिकल जांच हुई थी या नहीं, ये अभी क्लियर नहीं हुआ। यदि ऐसा पाया गया कि इन्होंने जांच नहीं कराई है तो कार्रवाई भी की जा सकती है। ये बालाघाट जिले के भजियादन ग्राम में, जिसमें कि हम लोग अभी खड़े हुए हैं, इसी गाँव के व्यक्ति हैं जो कि मुंबई से 16 तारीख को लौट के आए, 16 तारीख की रात में 1 बजे लौट करके आए थे। वो उनके जब सैंपल लिए गए तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्योंकि वो रात में 1 बजे आए थे। वो डायरेक्टली होम क्वारंटीन हुए, क्योंकि ये मैंने किया था होम क्वारंटीन का उनको दिया गया था। होम क्वारंटीन करने के बाद जब उनको सुबह आशा कार्यकर्ता ने उनको अटेंड किया तो उनको बुखार और खांसी के कुछ लक्षण दिखाई दिए, जिससे आशा कार्यकर्ता ने उन्हें सजेस्ट किया कि वह जा करके अपना टेस्ट करवाएँ और अपना एक बार डॉक्टर को दिखा। तो फीवर क्लिनिक में जैसे वो पहुंचे तो उनका टेस्ट किया गया और टेस्ट करने के बाद उनको वहीं पर आइसोलेट कर दिया गया। सर, इसमें कितने लोग इसमें हुए हैं? ये कुल मिलाकर जो उनका प्राइम वैसे ये लोग कुल 7 लोग ये लोग आए थे, इसमें से कि 5 बालाघाट जिले के थे, 2 गोंदिया जिले के थे। एक गाड़ी में ये लोग आए हैं, इनको लेने के लिए 3 लोग और गए थे, उन्होंने हालांकि अलग अलग मोटरसाइकिल इस्तेमाल किया है, इसलिए वो प्राइमरी कॉन्टेक्ट में ये 3 लोग ये प्लस एक व्यक्ति, 3 लोग इस गांव के हैं, 2 व्यक्ति अलग अलग गांव के हैं, उनको भी सर्च कर लिया गया। एक अतरी का है और एक मुरझड़ का है। इस प्रकार से 5 लोग ये हैं जो कि बॉम्बे से आए थे। एक व्यक्ति जो कि इनको हॉस्पिटल छोड़ने गए थे, हॉस्पिटल ले गए थे दिखवाने के लिए, उनको भी आइसोलेशन में ले लिया गया है। सर, बालाघाट जिले के खैरलांजी तहसील के अंदर में ग्राम भजियादन में, जहां पर एक बहुत ही अचंभित करने वाली खबर आई है, इसमें कोरोना संक्रमित पॉजिटिव व्यक्ति यहां पर एक चोरी छुपे महाराष्ट्र राज्य से यहां पर प्रवेश कर गया। और साथ ही अचंभे की बात यह है कि साथ में वह अपने परिवार, दोस्तों, मित्रों और अपने बच्चों के साथ में ये सबके संपर्क में आ गया। लगभग 17 से 18 व्यक्ति इस संक्रमण से ग्रसित हो गए और जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इसकी पुष्टि की कि यह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, इसके बाद प्रशासनिक रमाला बालाघाट जिले से यहां पहुंचा, जिसमें माननीय श्री पुलिस अधीक्षक महोदय, थाना प्रभारी, तहसीलदार और SDM साहब, ये सभी यहाँ पर उपस्थित होकर के गाँव को सील करने की कार्रवाई की गई। करने के पश्चात यहाँ पर सारी जगहों पर प्रशासनिक अमला मुस्तैदी से तैनात है और आगे इसके संक्रमण का प्रभाव जो दूसरों तक न पहुँचे, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। बालाघाट से प्रफुल्ल कुमार चित्रियु, दबंग न्यूज़ के लिए।